नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज पे। सम्राट अशोक महान के ऊपर विवादित बयान देने वाले दया प्रकाश सिन्हा के इंटरव्यू की प्रतियां जलाकर किया गया है विरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको बताते चले यह बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। जी हां, विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नाट्यकर्मी दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा एक इंटरव्यू में सम्राट अशोक महान के ऊपर विवादित बयान दिया गया है। इसको लेकर राष्ट्र तथा संविधान में आस्था रखने वाले लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। कहीं दया प्रकाश सिन्हा के बयान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो कहीं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। यानी पूरा देश दया प्रकाश सिन्हा के कुकृत की निंदा कर रहा है। आपको बताते चलें कि दया प्रकाश सिन्हा पूर्व IAS भी रह चुके हैं तथा वर्तमान समय में नाट्यकर्मी भी हैं तथा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उनके द्वारा दिया गया यह विवादित बयान उनके कुकृत आदर्शों को दर्शा रहा है। दया प्रकाश सिन्हा को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। किसी भी अपर अधिकारी के कंधे पर लगने वाला भी यही चिन्ह है। और उस महान शासक के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाला, तुच्छ मानसिकता वाला दया प्रकाश सिन्हा ने संविधान की एकता, अखंडता व संप्रभुता को ठेस पहुँचाई है, जिसके लिए पूरा देश आक्रोश से व्याप्त है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रिपोर्टर पप्पू सिंह कुशवाहा किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, निष्पक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम के द्वारा दया प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने सम्राट अशोक महान को लेकर के विवादित बयान दिया हुआ था, उनकी ये स्टेटमेंट की प्रतियां जलाई जा रही हैं टीम के द्वारा। ये विरोध किया जा रहा है कि नहीं, ये इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, जो कि देश का एक, आप लोगों ने देखा यहाँ पे दया प्रकाश सिन्हा के हम लोगों ने प्रतियां जलाई हैं। उन्होंने महान सम्राट अशोक की तुलना एक औरंगजेब मुगल शासक से की है, जो उनके बारे में अभद्र टिप्पणी किया है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे देशद्रोही को, ऐसे लोगों का अवार्ड जो पद्म भूषण से सम्मानित राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है, उनकी ये सब वापस लिया जाए और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा घृणित शब्द या ऐसा कोई शब्द न बोला जाए किसी के बारे में, ऐसे महान विभूतियों के बारे में। हाँ, यहाँ पे किस तरह का टाइम की एक कटिंग देखी होगी 3-4 दिन पहले, जो सोशल मीडिया पर और पेपरों में चल रहा था। ये जैसा कि दया प्रकाश सिन्हा, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, और इनका एक विवादित बयान आया था सम्राट अशोक पे, जो कि सम्राट अशोक एक ऐसा राजा है, इनके अनुसार कि सम्राट अशोक एक कामुक राजा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इन्होंने इस तरह के एक बयान, विवादित बयान दिया कि कामुक राजा और कामाकचार। तो इस तरह से एक सम्राट अशोक जैसे राजा पर लांछन लगाना, ये निंदनीय बात है। इनकी प्रतियों को जला के ये हम सरकार से गुहार करना चाह रहे हैं कि इनको एक कड़ी से कड़ी सजा देने का प्राविधान करें। और ये किस पेपर का है? ये नव भारत टाइम्स का है। इंटरव्यू इनका है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें क्या कहे हैं वो सम्राट अशोक के बारे में? ये बोले हैं कि एक ये जो सम्राट अशोक हैं, औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल सम्राट राजा से इनकी तुलना की गई है। अच्छा। और इनको कामुक और कामाक्षा टाइप के वर्डों, शब्दों से इनको यूज किया गया इनके चरित्र पे। जी, लेकिन सम्राट अशोक का दिया हुआ भारत का, यानी इंडिया का, भारत का, ये भारतवर्ष का है, प्रतीक भी है, चिन्ह भी है। जी बिल्कुल, देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी उन्हीं का दिया हुआ है। जी, तो ये तो सरासर गलत हुआ है। तो क्या चाहेंगे आप, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर इस तरह के जो निंदनीय घटना हुई है, इस सम्राट अशोक की मैं लाट दिखाना चाहता हूँ, जो कि जिस स्मृति चिन्ह से, जिस राष्ट्रीय चिन्ह से सुशोभित उनके कंधों पर लगी हुई जो वो पद्म श्री अवार्ड है, उनको छीन लिया जाए, वापस कर लिया जाए, और वो देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया जाए, ताकि इस तरह से आने वाले समय में कोई इस तरह का घटना, इस तरह का वाक्यांश, इस तरह के इंटरव्यू ना दे सके, क्योंकि एक संविधान का हनन है। किसी भी संवैधानिक चीज पर इस तरह का टिप्पणी करना ये गलत है। हमारी पूरी टीम इस चीज़ को मांग करती है, इनको दंड दिया जाए। लोगों को पता
पता है कि भी अतीत में दो चार दिन पहले एक घटना घटी थी, जो कि पूर्व IAS अधिकारी थे दया प्रकाश सिन्हा जी, उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि बिल्कुल ही असंवैधानिक और ऐसे गरिमामयी सम्राट जो भारत देश के सिर्फ एक ही सम्राट थे, वहीं लास्ट थे, वहीं अंतिम थे, तो उनके बारे में कहा गया कि उनकी तुलना एक दुस्साहसी शासक औरंगजेब से के बारे में तुलना किया गया और उनको कामुक जैसे शब्दों से परिभाषित किया गया कि वो एक राजा नहीं, एक दुस्साहसी राजा था जो कामुक में पूरा बंधा हुआ, और ये ऐसे गंदी शब्दों से उनको प्रदर्शित किया गया, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग आज अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं कि उनके उस इंसान का पुतला जलाया गया विज्ञप्ति देकर, और कुछ विज्ञप्ति हम लोग थाने पर भी दिए गया ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, और हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि उनको जो भी सम्मान दिया गया सरकार की तरफ से, ऐसे नीच काम के लिए, नीच वर्ड यूज करने के लिए उनको उस पुरस्कार से उनको बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई किया जाए। जी जी।